उत्तर प्रदेश में एडेड जूनियर भर्ती की जो परीक्षा 18 अप्रैल 2021 को थी, उसको जो स्थगित होने से बहुत सारी भर्तियों पर यहाँ पर प्रभाव पड़ने वाला है। ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या क्या प्रभाव पड़ेगा यूपी टेट पर और प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर। तो ऐसी अपडेट के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िए। आपने देखा है कि एडेड जूनियर भर्ती की जो परीक्षा है उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है अगली तारीख तक। और जैसा कि पहले भी पीएनपी के द्वारा ये आदेश किया गया था और कहा भी गया था, अभ्यर्थियों ने जब वार्ता की थी तो वहाँ पर बताया गया था पीएनपी में कि एडेड जूनियर की जो परीक्षा 18 अप्रैल को होनी है, इस परीक्षा के तुरंत बाद हम यूपी टेट का विज्ञापन जारी करेंगे और इसकी परीक्षा करवा देंगे। लेकिन एडेड की जो परीक्षा ग्राम पंचायत के कारण रद्द हुई, अब यह परीक्षा 8 मई के बाद संभावित है। अगर यूपी बोर्ड का जो यहाँ पर परीक्षा होनी है वो बीच में अड़ंगा नहीं डालता है अगर, तो 8 मई के बाद 31 मई या 30 मई के बीच में संभावित है। अन्यथा की स्थिति में ये जून में परीक्षा जाकर हो पाएगी, ठीक है, जून में हो पाएगी। अगर ये जून में परीक्षा होती है, जितनी इसकी परीक्षा में देरी होगी, 18 अप्रैल जो परीक्षा है, जितनी इसकी परीक्षा में देरी होगी उतनी ही यूपी टेट का विज्ञापन आने में देरी होगी। ये आप यहाँ पर समझ लें, क्योंकि एडेड की परीक्षा और यूपी टेट की परीक्षा और ऑनलाइन आवेदन, सारी जो प्रक्रिया है वो पीएनपी को करवाना है और पीएनपी एक एक परीक्षा को ही यहाँ पर निस्तारण कर सकती है, एक साथ दो परीक्षाओं का नहीं। आप जानते हैं कुल मिलाकर एडेड की परीक्षा ही निर्भर करेगी यूपी टेट की परीक्षा पर। उम्मीद है अब अगर इस प्रकार से लेट लतीफ़ी होती है तो जुलाई तक भी यूपी टेट का यहाँ पर जो प्रोसेस है वो पहुँचने की पूरी संभावना है। और जितना लेट यूपी टेट हो जाएगा उतने ही लेट आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती को भी मानें, क्योंकि यूपी टेट का विज्ञापन आने के बाद, परीक्षा होने के बाद ही जो प्राथमिक 97,000 पदों पर भर्ती होनी है तभी उसका विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। जब तक यूपी टेट की परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक आप 97,000 पदों पर जो विज्ञापन है वो देखने को आपको नहीं मिलेगा। अभी तक 69,000 हो चाहे 68,500 हो, यूपी टेट के तुरंत बाद ही शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिला है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि एडेड की परीक्षा स्थगित होने पर यूपी टेट और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर बड़ा असर यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है। आगे की जो अपडेट होगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अभी तक की अपडेट है, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।